जी लाइव हो गया, आप स्टार्ट करो। हम मेट्रो ट्रिप करेंगे, ठीक है? ये एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, बेसिक किस्म की, बिल्कुल बेसिक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है ये। बहुत हद तक पाइथन में लिखी गई है और कुछ चीज़ें इसकी सी में लिखी गई है। ये डिफरेंट आप हमारे डाटा को विजुअलाइज करने के लिए काम आती है, ठीक है? हमने पहले पैंडास के अंदर प्लॉट देखे थे, जिसमें हमने लाइन प्लॉट देखा था मेरे ख्याल है। तो इसमें हम दो तीन तीन चार प्लॉट देखेंगे आज, और उन्हीं प्लॉट के साथ कुछ कुछ एडिटिंग वगैरह भी हमने की है इसके अंदर, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है? चलें हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हमने जो हमने एरे बनाना एरे सीखा था बनाना, हम यहाँ पे दो एरेज बनाए और फिर हमने यहाँ पे प्लॉट को कॉल किया plt डॉट प्लॉट। ये तो सबको क्लियर है ना कि किस तरीके से हम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक, तो हमने यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया अपनी, और फिर आगे हमने दो एरेस बनाए, दो नंपाई एरेस बनाए, और फिर हमने प्लॉट कॉल किया और फिर हमने इसे रन कर दिया। क्या हुआ? हाँ, मैटप्लोटलिब डॉट सही है। ये बाय डिफॉल्ट ये लाइन प्लॉट होता है, ठीक है? ये सबको क्लियर है कि किस तरीके से हम इसे करते हैं। ये एक लाइन प्लॉट है, बाय डिफॉल्ट भी हमेशा लाइन प्लॉट ही शो करता है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने कहा, हमने देखा है कि हम इसके साथ डिफरेंट किस्म की चीजें करेंगे। तो इसमें ये होता है, आपने इसके अंदर इसे कहते हैं वो शो कर सकते हैं, मतलब कि पॉइंट्स शो कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जो डाटा है, डाटा जहाँ जहाँ है वो चीज़ आप शो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे ये है, इस चीज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं, आपने कि ये ऐसे कर दे, ठीक है ना? एक मिनट, मैं इसकी थोड़ा सा और रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है, इसे पॉइंटर कहते हैं, ठीक है? आपने यहाँ पे मार्कर मार्कर कहते हैं, आपने इसे मार्क कर दिया यहाँ पे। तो इसने क्या चीज मार्क की है, ठीक है? इसने फर्स्ट पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट मार्क कर दिया आपका। इस एक पॉइंट की, पहले पॉइंट की स्टार्टिंग, एक्स पॉइंट्स की स्टार्टिंग इसने मार्क की है, वन पे, वन और थ्री पे। इसने पहले देखा कि एक्स एक्सिस कौन कौन से हैं। एक्स एक्सिस पे हैं दोनों के वन और थ्री, वन और थ्री यहाँ पे है। पहला जो हो रहा है वो दोनों का पॉइंट कहाँ पे मैच हो रहा है, वन और थ्री पे। एक्स पॉइंट वन है और वाई पॉइंट थ्री है। फिर उसने दूसरा देखा है, उसने कहा है कि भाई दूसरा क्या है, दूसरे का जो एक्स एक्स एक्सिस है वो एट पॉइंट पे है और जो वाई एक्सिस है वो किस पे है, टेन पे। तो उसने वहां पे एक स्टार बना दिया, ठीक है? ये मार्कर है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, आप इसे ये भी लगा सकते हैं, सॉरी ये वाला, ये तो वो है, इसे आप यूज ही कर सकते हैं, आप दूसरे यूज कर सकते हैं, ठीक है? आप स्लैश यूज नहीं कर सकते, ये यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर प्लस यूज कर सकते हैं, माइनस यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्लस यूज करके देख लेते हैं, ये देखते हैं, ठीक है? और हम यहाँ पर माइनस, हम यहाँ पर माइनस भी यूज कर सकते हैं, सही है? ये देखिए, मैं इससे क्या है कि सर भाई माइनस और प्लस किस लिए यूज कर सकते ये पॉइंटर है ना, पॉइंटर है, ये पॉइंटर है इस डेटा को हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए। जिस तरह हमने ऊपर जो एरे बनाए, आपने वो देखे, उसका दोनों के पहले पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे मैच कर रहे हैं, वन और थ्री पे, ऐसा ही है ना? जी सर, तो वन पहले एक्स पॉइंट की पहली एंट्री वन है, तो वो एक्स पॉइंट पे देखता है, एक्स एक्सिस पे पहली एंट्री है वन, ठीक है? उसने वन पे वो रख दिया, फिर उसने देखा कि दूसरी एंट्री को देखा, उसके मुताबिक उसने वन पर ऊपर नीचे करके रख दिया वाई एक्सिस के मुताबिक, तो वाई एक्सिस थ्री है। तो फिर यहाँ पे हमने इसने यहीं पे कर दिया, ठीक है? हमने स्पेसिफाई इसे इससे किया,
ठीक है ना। और सर अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो फिर उससे क्या होगा? उससे लाइन बन जाएगी, ये देखिए, सही है, जैसा ये लाइन, सही। सही है। और यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये तो रैंडमली पॉइंट आउट किया हुआ है, पॉइंटेड रूट के वो पॉइंट बता दिया जो वो पॉइंट बन रहा है, जिससे हम ग्राफ्स के अंदर बनाते हैं ना, ठीक है। अब तेरे चलिए ठीक, आगे ये है कि हमने इसके इन एरेस को ना थोड़ा सा डाटा बढ़ा दिया इसके अंदर, ताकि हम सही तरीके से इसे देख सकें, ठीक है। तो इसने हमने इसे यहाँ पे क्या है, जो एक्स है ना वो 1 से जाएगा 2 पे, अब ये एक्स और वाई दोनों के मुताबिक देखेगा, ठीक है। जहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 3 है, तो 2 और 4 के दरमियान 3 आता है, इसे यहाँ पे 3 पे वाई को रखा है और एक्स को इसने 1 के मुताबिक ही रखा है, सही है। फिर इसी तरीके से 2 और 8 है, तो यहाँ पे ये चीज ये 2 पे ले गया, ये जो कॉर्नर है इसने ये 2 के मुताबिक रखा है, और इसकी हाइट इसने यहाँ से ये 2 और 8 को देखते हुए ये उसी तरीके से इसने एंगल बनाया अपना, और जिस जगह पे वो 8 और 2 दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना, वहां पर जाके वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला क्या है, एक्स वाई एक्स 6 है और वाई 1 है, तो ये यहाँ से आएगा, एक्स 6 है और वाई 1 है, यहाँ से ये नीचे आया है 6 पे गया है, और जो वाई है वाई इसी तरीके से 1 बन गया, ये 2 से पहले ये चीज एंड पे आ रही है, सही है। और फिर ये यहाँ से ऊपर गया है 8 और 10, क्या हमें से क्या कहें, 8 और 10, पहले वाला 8 है, ये एक्स एक्सिस 8 है, ये 8 आ रहा है, और ये जो वाई है ये 10 आ, ठीक है, क्लियर है? जी सर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक सिंगल एरे भी देखा हुआ है, और सिंगल एरे उसी तरीके से है जिस तरह हमने ऊपर देखा है, ऐसे कि 3 8 1 10 5 7, ये फिर किसी और चीज को नहीं देखेगा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस को यहाँ पे देखेगा, वाई एक्सिस को, सॉरी वाई पॉइंट्स आपने दिए हुए ना, तो पहले ये 3 पे जाएगा, 3 से ये जाएगा 8 पे, 8 पे ये फिर 1 पे आ जाएगा, 1 से फिर ये 10 पे जाएगा, फिर ये उस पे 4 पे, सॉरी 5 पे जाएगा, और 5 से फिर 8 पे, ये यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये 3 पे है, ये 8 पे है, और ये 1 पे आ गया, और ये 10 पे आ गया, और ये वाला 5 पे है, और ये जो है ये 7 पे है, सही है। और हम यहाँ पे मार्कर्स भी लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमने एक्सप्लिसिटली मार्कर लगाया अपनी लाइन प्लॉट के अंदर, हमने ऊपर वाला ही उसे ऊपर वाले ही पॉइंट्स दे दिए उसे, और उसे कहा है कि हमें वो मार्क करके दे दे, सही है। तो वाई पॉइंट्स हमने यही वाले दिए हैं, अगर आप देख सकें तो यही वाले हमने इसे मार्क पॉइंट्स दिए, और इसने हमने इसे कहा है कि हमें ये वाला मार्कर यहाँ पे लगा के दे दो, ये मल्टीप्लाई का साइन अप यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जहाँ जहाँ पे वो मैच कर दें, सही है। हम इस मार्कर को भी हम चेंज कर सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि माइनस के नहीं होगा, क्योंकि ये डैश प्लॉट तो है ना, एक से प्लस कर दें, अच्छा ठीक है, ये प्लस का साइन देखेंगे चेंज हो गया। हम इसे कोई और साइन भी कर सकते हैं, हम इसे ओ भी कह सकते हैं, हम इसे बेखड़े के वी के साइन से भी कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें यूज कर सकते हैं कुछ सर्टेन चीजों के अलावा, सही है। और आगे फिर हम इसे कोई है कुछ पूछ रहा है? अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जी? मतलब ये हम अरे बनाना लाजमी है हमें इसको प्लॉट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल लाजमी नहीं है, हम किसी भी डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है एक दिखा दूं, ये देखिए,
ये डाटा है, हमने यहाँ पे से विजुलाइज किया हुआ है, सही है। ये बार प्लॉट है, नीचे हम देखेंगे अभी, और ये फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है और सही। सही है। हम किसी भी डाटा को कर सकते हैं, हम नंपाई का एरे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी हमने नंपाई पढ़ा है ना, और बेसिक, ठीक ये बिल्कुल बेसिक चीज है। इसको अगर इसको यूज करते हुए अगर हम समझेंगे तो फिर हम ज्यादा अच्छे तरीके से चीज को समझ सकते हैं, सही है। सही। ठीक, इसका मैं सिंटेक्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे हम ना इसके लिए स्ट्रिंग को हम एडिट भी कर सकते हैं। मैं इसका सिंटेक्स अभी आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसे साइड भी कर सकता हूँ, एक सेकंड। मार्कस, हाँ बिल्कुल, ये जो है ना, ये देखिए ये सिंटेक्स है इसका। ये आप अपने स्क्रीन को इसको फॉर्मेट कर सकते हैं आप, ठीक है, इस सिंटेक्स को स्क्रीन को यूज करते हुए इसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए ये है, ये सबसे पहले जो है ये आपका मार्कर टाइप है, उसके बाद आपने कहा है कि सारे डेटा पर आपको करना है, और उसके बाद उसका कलर उसे बता देते हैं, सही है। कोई भी कलर आप दे सकते हैं, हम अभी ये देख नहीं लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बी है ना, तो इसने ब्लू दिया हुआ है, सही है। और हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसे रेड कर देते हैं, ये देखिए ये रेड, सही है। ये आपने टाइप दी है अपने उसकी, क्या कहते हैं उसे, आपकी जो में जो लाइन लगी हुई है उसकी टाइप आपने दी है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए, सही है। आप इसे प्लस भी कर सकते हैं, सॉरी प्लस नहीं कर सकते, इस प्लॉट के अंदर आपने सिर्फ वाई पॉइंट्स दिए हुए ना, तो दूसरे पॉइंट उसने बाय डिफॉल्ट लिए हुए राइट। बिल्कुल ऐसे है, सही है। सही और इसमें आपको भी कलर, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ये भी हमने बात की थी, हम मार्कर भी इसका चेंज कर सकते हैं, सही है। मैं बताया था ना कि हम मार्कर को और ज्यादा डीप डीप करके देखें, सही है। तो ये इसमें ये तरीके, इसका सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले आप मार्कर बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, माइनस वाला फॉर्मेट होगा या दूसरा फॉर्मेट होगा, जिस तरह हमने इसका पहले फॉर्मेट था, मेरे ख्याल है हाँ ये फॉर्मेट, सही ये वाला फॉर्मेट था, सही है। ये चीज़ समझ आ गई है। फिर आप एंड में कलर्स देते हैं, कलर्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। ये सिंटेक्स आप इसके अंदर दे सकते हैं, क्लियर है। ये वाला भी हमने दिया, ये वाला भी दिया, और ये भी हम देख कर देख लेते हैं। बेहतर तो ये है कि आप लोग खुद इसे ट्राई करें। और ये कलर्स हैं इसके अंदर, आप रेड ग्रीन ब्लू सियान और हर 5-6 कलर, 8-9 कलर्स हैं, ये सारे आप यहाँ पर कर सकते हैं। सर, इसको वहां पे अप्लाई कैसे करेंगे ये बता दें, किस चीज को, कलर्स, कलर्स को। ये देखिए ना, ये जो सबसे आखिर आखिर में रेड है ना, एक मैं आपको यहाँ पे सिंटेक्स दिखा देता हूँ, ये देखें। सबसे पहले आप मार्कर देंगे, ठीक है, मार्कर का टाइप आपने क्या दिया, प्लस दे दिया, ठीक है। सिंटेक्स के मुताबिक देखें, सबसे पहले आप मार्कर देंगे, ठीक है, नजर आ रहे हैं। जी सबसे सर, पहले नजर आ आपने इसके अंदर मार्कर की टाइप देनी है, तो फिर आपने लाइन की टाइप देनी है, जिस तरह हमने ये दो डॉट दिए हुए हैं, हम दो अंडरस्कोर भी इसमें दे सकते हैं, सॉरी हम इसको नहीं दे सकते, कुछ तो था, एक मिनट, डैश लाइन, हाँ डैश लाइन आप दे सकते हैं इसके अंदर, और डैश और डॉट भी दे सकते हैं, जिस तरह डैश और डॉट, ये देखिए, सही है। और फिर आप कलर देते हैं इस, ये जो सारा होगा मार्कर समेत हर चीज का टोटल का आप कलर देते हैं इसे। आप यहाँ पे रेड के बजाय लिख दें एम, लिख दें मैग्नेटा आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर ब्लू लिख दें, बी का ब्लू का भी लिख दें, सही है। ये सिंटेक्स है, आप सबसे पहले मार्कर की टाइप देंगे, तो उसके बाद आप कहेंगे कि लाइन होनी किस तरीके की चाहिए,
सही है, लाइन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप उसे कलर बता देते हैं, इस तरीके से आप इसे अप्लाई करें। सही है, चलो जी सर, सही, थैंक यू। ठीक। और आगे फिर हम इसके अंदर साइज भी दे सकते हैं अपने मार्कर का। हमने यहाँ, मैंने यहाँ पे 10 किया हुआ है, हम इसे 5 भी दे सकते हैं। ये देखिएगा इसका मार्कर का साइज छोटा हो गया। जी देखिए मार्कर का साइज छोटा हो गया। अब हम इसे कहते हैं कि भाई मार्कर हमारा 20 का कर दो। ये देखें मार्कर कितना बड़ा कर दिया इसने। सही है, और इसको हम थोड़ी सी और एडिटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। हम इसे कहते हैं कि भाई गाइस, ये ठीक है, ये हमने ऊपर वाला ही दे दिया से, प्लस हम ऊपर वाला ही बना लेते हैं इसे, ये प्लस ठीक है, ये मार्कर बन गया। अब हमें यहाँ पर मार्कर का साइज नजर आ रहा होगा सही तरीके से, ये प्लस बड़ा हुआ है। अब हम इसे कहते हैं कि भाई इसे कर दो 10। अब ये मार्कर छोटा होता है, सही है, ये मार्कर का साइज हमने दिया ठीक है। दे सबको जी जी, सर, ठीक ठीक। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हम इससे ये भी कर सकते हैं, जो मार्कर होता है ना, हम इसका इसका कलर भी दे सकते हैं, आउटलाइन का कलर इसकी, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने इसे येलो किया हुआ है, तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ब्लू कर दो, ठीक है, इसे मैग्नेटा भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें फिर एक और चीज होती है जो इसके अंदर का कलर होता है, मतलब कि इस मार्कर का जो अपना कलर होता है, इसके आउटलाइन का नहीं, तो ये होता है MFC इज इक्वल टू, हम इसे कौन सा करना चाहिए, इसे हमें नहीं ब्लू कर देते हैं, ये देखिए सही है। फिर इसको भी हम थोड़ा सा और वो कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं वही वाला कर देते हैं, तो ब्लू है ना, सही है। मार्कर भैया दे देते हैं, आप सबको क्लियर है, ठीक है, जी ये चीज क्लियर है। हम ठीक है, नीचे वाली चीज हमने देख ली है, हम आगे चलते हैं उससे। यहाँ पे फिर हमने एक और वो बनाया है, इसके अंदर हम ये करते हैं कि इनको हम अपना टाइटल भी दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं, लोकेशन दे सकते हैं, लोकेशन टाइटल की लोकेशन दे सकते हैं, किस जगह पे होगा किस जगह पे नहीं होगा, सही है। तो हमें यहाँ पे इसे एरेस बनाए दो, और फिर हमने प्लॉट को कॉल किया है, बाय डिफॉल्ट हमने अभी बात की है कि लाइन प्लॉट होता है, तो एरे देने के बाद हमने इसे सारी चीजें दे दी, ठीक है। फिर एक ग्रिड भी होता है इसका, ग्रिड में ये करता है, ये देखें ग्राफ बना लेता है, सही है। इसमें हमने अगर हम लोकेशन इसकी चेंज करें, तो लोकेशन हम कर सकते हैं, ठीक ये चीज भी क्लियर है, ठीक जी सर, है। और अब हम यहाँ पर आएंगे कि हमने एक और वो किया, हमने एक और प्लॉट यहाँ पे यूज किया, क्या नाम है उसका, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए होता है, मतलब किसी भी डाटा के अंदर जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसे चेक करने के लिए होता है। तो हम यहाँ पर वाई वाला ही कर लेते हैं, अगर हम इसे
डॉट को थी। ये देखें सही है, क्योंकि उसके ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसके डाटा तकरीबन एक ही जैसा है जो हमने वायर पॉइंट सीखे थे ऊपर। ये देखें इतना कोई वो का नाम है अहम डाटा नहीं है, लेकिन अब अगर हम इसे इस डाटा को थोड़ा सा चेंज कर लें, जिस तरह हम इसे उठा कर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम करते हैं कि भाई ये देखें ये तीन है, तीन चार, ये तीन से शुरू हो रहा है। इसके अंदर आप इसका साइज भी दे सकते हैं, इसका साइज हो सकता है लेकिन हम साइज वगैरह नहीं दे सकते। ये ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। और डाटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ, अगर मैं कोई और चीज़ आपको यहाँ पे शो करवा सकूँ, एक मिनट मैं आपको अपने एक से एनालिसिस में करवा देता हूँ। कि मैंने यहाँ पे मैक्रो ट्री रखा हुआ है, हाँ यहाँ पर हमने देखा है कि एल टी डॉट इस ये एक है, ये डाटा थोड़ा सा ज्यादा है ना, इस वजह से इस तरह शो। चलिए ठीक है, हम इसी में से किसी चीज को यूज कर लेते हैं। जी कौन सा डाटा है, वाई पॉइंट्स ये देखें इसके अंदर डाटा की फ्रिक्वेंसी के मुताबिक इसने इस चीज को कर दिया। जैसे तीन है, ये जो तीन से शुरू हो रहा है ये चार पे खत्म नहीं हो रहा। जितना जितना फैलाव होगा ना उस डाटा का, उतना वो आपको बता देगा। और फिर वन से जो है वो टू से ऊपर नहीं गया, और जो सबसे ज्यादा है डाटा वो यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि आठ, तीन के बाद आठ। देख
और मैं इसकी आपको यहीं से एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए ये बहुत सारी वैल्यूज हैं, इन सब चीज़ों को इस बार बार वो नहीं किया जा सकता। फिर इसमें वो एक फ्रिक्वेंसी उठाता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रिक्वेंसी उठाता है कि भाई इसमें कौन कौन सी वैल्यूज एक प्रॉपर फ्रिक्वेंसी के साथ आ रही हैं। फिर वो उनको इस तरीके से शो कर देता है कि ये 140 से लेके 150 तक जो वैल्यूज है ना, वो यहाँ इसका ये यहाँ तक आ रही है, मतलब 0 से 2, 3 तक रिपीटेशन है उनकी। फिर जो क्या नाम है 140, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनना चाहिए 148 या 150 तक है ना उनकी, ये बन रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ ये फिर 152 तक कहेगा कितने बन रहे हैं, ये 6 बन रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ग्राफ तो अब तक आपको पढ़ना आ गया होगा। और इसमें बार्स भी होते हैं, बार्स इस तरीके से होते हैं, बार्स मैंने बनाए हैं, वो जो है ना वो बेसिकली बार ही है मेरा ख्याल है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यही ये हमने दो एरेज बनाए हैं, मैं करके दिखा दूँ या बता दूँ। जी मुझे तो क्लियर है, बाकी से पूछ लें, बाकी पार्टिसिपेंट से। सबको क्लियर है? ठीक जी क्लियर है। है, और इसने एक्स एक्सिस के मुताबिक इसने वाई बताया, मतलब है कि आप यूँ समझे ना कि एक वेरिएबल है या फिर एक आइटम है, वो 3 मरतबा हमारे क्या नाम है डेटाबेस में रिपीट हुआ। 3 आइटम्स हैं उसके हमारे पास, फिर उसने 3 तक बता दिया, 3 है, 3 रिपीटेशंस हैं। फिर उसके बाद उसने बी का कहा है कि बी 8 है, बी की जो वैल्यू है, बी का जो क्या नाम है रिपीटेशन या डेटाबेस में जो क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है वो 8 पड़ी है। फिर वो सी पे गया, सी पर उसने कहा है कि 1 पड़ी है, तो उसने 1 पर जाके, 1 मिनट, ये मेरे ख्याल नजर नहीं आ रहा होगा, अब क्लियर है? और फिर 10 को भी उसने उसी तरीके, बी को भी उसने उसी तरीके से बताया, से जो क्लियर ऊपर है? वाला कोड है उसके अंदर भी यही बता रहा है ना कि लाइक जो 3 है वो भी एक दफा है, 7 और 8 और 10, इस वजह से उसकी रेपुटेशन भी बिल्कुल सेम है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बता रहे, बार ये बता रहे हैं कि जो ए है उसकी वैल्यू वो 3 है। अगर हम इन सबको भी इतना ही कर दें ना, लेकिन वो रिपीटेशन बता रहे हैं, फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं उनकी, बार ये नहीं बता रहा। बार ये बता रहे हैं कि इसके मुताबिक ये कितना है, मतलब जैसे हमने ए को कहा है कि ये 3 3 है हमारे पास, तो ये इसे 3 पे ले आया है। ठीक ठीक है है, ना, सही। ये सिर्फ डाटा की फ्रिक्वेंसी बता रहा है कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, कितनी मरतबा नहीं है। सही है, ठीक है, अगर सही। हम इसको थोड़ा थोड़ा और प्रिसाइजली देख लें, हम 3 दोबारा लिख देते हैं 1 मरतबा, तो फिर ये यहाँ पे देखें बाकी को, इसने कहा है कि ये 2 मरतबा रिपीट हुआ है, बाकी सब कितनी मरतबा रिपीट हुए हैं यहाँ पे, 1 मरतबा। सही है, जी ठीक। चलिए ठीक। ये बार है, हमने इसे वैल्यू दी है कि भाई 8 है, और यूँ समझ लें कि ए को आप आइटम का नाम समझ लें, ठीक है ना, और वाई को आप वो समझ लें। हम यहाँ पे इसमें भी टाइटल दे सकते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि एक्स डॉट लेबल, तो यहाँ पर होगा आइटम, देना चाहिए एक में। ये हॉरिजॉन्टल बार है, कलर ब्लैक, कलर ही दे सकते हैं, सिर्फ टाइटल तो नहीं दे सकते, टाइटल वो इसकी विड्थ भी दे सकते हैं, बार्स की कलर दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, क्या करें। हाँ जी ठीक, इसमें आप वो नहीं नेम ही दे सकते, लेकिन आप हाइट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे बार की बार लेते हैं ना, आप यहाँ पे इसका कलर दे सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं
ये देखें सही है, आप यहाँ पे जी कोई कलर नहीं, अजीब सा नाम होता है इसका, सही। और उसके अलावा आप इसकी विड्थ दे सकते हैं, विड्थ भी आप यहाँ पे इसकी दे सकते हैं, आप इसे कहें कि और इसी को हम अगर 0.5 कर दें, सही है। और एक होता है बार एच, बार एच एक जो हॉरिजॉन्टल बार हो, आप समझ लें इसे, 18 वहाँ विड्थ के साथ में हो सकता है, उसमें हाइट हम इसे हाइट कर देते हैं, और एच आई ठीक है। उसी ग्राफ को उल्टा करके आपको मतलब है कि टिल्ट करके आपको दिखा रहे हैं, क्लियर जी क्लियर है। है? ठीक है, और आगे हम पाई प्लॉट स्कैटर, ठीक हो सब ठीक। आगे हम पाई प्लॉट पढ़ेंगे, पाई पाई को तो आप सब जानते होंगे कि इसके एक गोल दायरा होता है, एक सर्कल होता है जिसके अंदर किसी भी चीज के मुताबिक के किसी भी चीज के पोर्शन के मुताबिक खाने बने हो, मतलब एक डिवीजन हुई होती है। जिस तरह एप्पल्स का हमने सबसे बड़ा पोर्शन बनाया, और बनानास का उसके बाद बनानास का उसके बाद फिर डेट्स चेरीज, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इसके लिए बायप्लॉट बनाया, और हमने यहाँ पर बेसिकली लेबल दिया है, एक एरे दिया है कि 35, 25, 25 और 15, ये हमने एक एरे दे दिया, फिर हमने इसको लेबल्स दे दिए, सही है। तो लेबल्स हम इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं, बनाना और चेरीज बिल्कुल इक्वल होंगी मेरे ख्याल से, और बिल्कुल बनाना और चेरीज इक्वल है, और 15 डेट्स सबसे कम है, और एप्पल्स ज्यादा है। ये हमने पाई प्लॉट बना दिया, ठीक है। एक दायरे के एक सर्कल को अपने डाटा के अकॉर्डिंगली हमने डिवाइड कर दिया, ऐसे पाई प्लॉट कहते हैं। हम इसे कम भी कर सकते हैं, जिस तरह हम इन चारों को भी 25 कर सकते हैं, हमने कहते हैं ये देखें सही है। और उसके अलावा हम इनका एंगल भी दे सकते हैं, यहाँ पे नीचे हमने इसका एंगल दिया हुआ है कि कहाँ से ये शुरू होगा, सही है, किस एंगल से। तो यहाँ पे मैंने 120 दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो अगर हम इसे 90 कर दें, ये देखिए ये यहाँ से डेट्स यहाँ से शुरू हो रहा है, सही है। पाइप प्लॉट बिल्कुल इजी है, आप यदि किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो प्लीज। नहीं सर, ठीक है, समझ आ गई। समझ आ गई? और हम फिर इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर हमें जिस तरह हम कहते हैं कि जैसे बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं जिसमें कोई पॉपुलेशन कम होती दिखानी होती है, या फिर कोई पीस कोई किसी भी पॉपुलेशन के अंदर से या फिर किसी डाटा के अंदर से किसी एक हिस्से को निकलता हुआ दिखाया जाता है कि ये अब खत्म हो गया है इसके अंदर से, तो वो हमें अलग-अलग दिखाना होता है इसके अंदर। फिर हम ये करेंगे, हम इसे कहेंगे डेट्स है ना, हम सिर्फ 0.0 ये नहीं डेट्स नहीं उसे करना चाहिए, यहाँ पे हम इसे 1 ही रखते हैं, यहाँ पे हम ये देखें हमने ये कर दिया, सही है। जो सबसे पहला है 0.0 वो एप्पल्स को करेगा, फिर ये फिर बनाना बनाना उसके बाद चेरीज, चेरीज के बाद फिर डेट्स, ठीक है। हम इन सबको भी तोड़ सकते हैं, हम सबको 0.1 कर रहे हैं, सही है। और हम इनको चेंज भी कर सकते हैं इस रेशो को, 0.0 इसे आप 0.2 कर दें, ये देखें ये थोड़ा और दूर हो गया बनाना, सही है। अगर हम बाकी उनको बाकी को सबको खत्म कर दें और सिर्फ इसका इसकी रेशो इसकी सेपरेशन रेशो थोड़ी सी ज्यादा कर लें, तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, ये देखें सही है,
इसकी मूवमेंट की समझ आ गई है कि ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट होती है। एप्पल से ये बनानास पे जाएगा, फिर चेरीज पे, फिर डेट्स पे। चलें ठीक, हम आगे चलें, सबको क्लियर है ये चीजें? चलें जी सर। उसके बाद हम स्कैटर प्लॉट देखेंगे। स्कैटर प्लॉट का मतलब है कि जिस तरह हमने ऊपर देखा था ना, ये जो हमने देखा था कि बगैर किसी लाइन के बगैर कुछ स्टार्स बने हुए थे, कुछ पॉइंट्स उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए थे जहाँ पे भी यह हमारा ये टारगेट मीट हो रहे थे, हमारे ये दोनों पॉइंट, वहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ था। उसी तरीके से स्कैटर प्लॉट भी बेसिकली यही चीज़ होती है। ये आपको ये बता देते हैं कि जिस तरह हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ये जो है, ये फाइव है, ये जो फाइव है ये यहाँ से आ रहा है, 5 और 99, ये 99 ये है। मेरा एरो सबको नजर आ रहा है? जी सर। ये फाइव यहाँ से है, 4 और 6 के दरमियान, ये यहाँ पे 99 पे आ रहा है, ये जहाँ पे ये इस मैच हुआ इसने वहाँ पे वो डॉट लगा दिया है। 7 और 86 पे इसने लगाया है, 7 ये है, 7 6 और 8 के दरमियान होगा, 6 और 86 ये है, इसके बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं हम, सही है। उसके बाद 8 8 और 87 है, 8 और 87 का मतलब है कि ये बिल्कुल 86 के ऊपर, सही है। उसी तरीके से जिस तरह हमने ऊपर पॉइंट किया था, ये बस पॉइंट कर देता है, लेकिन ये डॉट इस डॉट की शेप में होता है, सही है। स्कैटर प्लॉट इससे तो मीनिंग तो हमें समझ आ रहा होगा ना, कि मतलब है कि ये एक ऐसा ऐसा प्लॉट है जो स्कैटर्ड फॉर्म में चीजों को विजुलाइज करके देता है आपको। मतलब है कि लाइन ही आपको बना के देगा, कोई और सेट नहीं आपको बना के देगा, आपको बस डॉट डॉट लगा के दे देगा जहां जहां पे वो मीट हो रहे होंगे, सही है। ये चीज क्लियर है सबको? सर एक बार रिपीट कर देगा। नहीं ठीक है, स्कैटर प्लॉट बिल्कुल उसी तरीके से, शुरू से रिपीट कर दूं? जी स्कैटर प्लॉट बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने ये वाला प्लॉट देखा था, जहाँ पे ये 1 और 3 कहाँ थे मीट हो रहा था, x is 1 और y 3, ये यहाँ पे मीट हो रहा था, यहाँ पे इसने एक स्टार बना दिया, सही है। और 1 मिनट, यहाँ पे इसने एक स्टार बना दिया, हम इस मार्कर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम ये कह देते हैं ये हमें ओ बना दो, ठीक है। वही चीज बन गई है जो स्कैटर प्लॉट में बने हुए हैं, सही है। अब हम इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके हम अंदर हमने ये किया कि 1 और 3 जहाँ पे मीट हो रहे हैं, 1 x 1 है और y 3 है, यहाँ पे एक डॉट लगा दो। और दूसरा क्या है, 8 8 x है और y 10 है, यहाँ पे ये मीट हो रहा है तो यहाँ पे एक डॉट लगा दो। ये बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे थोड़ा सा और ना एडवांस करके रख लें कि आपके पास डाटा ज़्यादा है, जिस तरह हम यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर डाटा ज़्यादा करें, हम इसे कहें 3 8 6 ओह सॉरी 5 9, सही है। फिर यहाँ पर हम इसे कहें कि ये होना चाहिए 6 8 8 6, सही है। हम काउंट करते हैं, सही है, क्लियर है। अब हम इसे ये देखें इस तरीके से, ये एक स्कैटर प्लॉट बन गया। सॉरी, शुक्रिया। ये चीज क्लियर है सबको? यही चीज थोड़ा सा एडवांस करके एक स्कैटर प्लॉट बन जाता है, सही है। ये आपको बताता है कि आपका डाटा कितना दूर है, कितना पास है, क्लियर है सबको? ये उसी चीज की, ये एडवांस स्कैटर प्लॉट एडवांस लेवल। अब क्लियर जी है? सर। जी सर। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हम एक चीज और कर सकते हैं, मेटप्लॉट की लिप के अंदर हम एक से ज्यादा, अगर एक डाटा के अंदर बहुत सारे पोर्शंस बने हुए ना, तो हम उनको सब प्लॉट बना सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे हम इसे सब प्लॉट बना हमने सब प्लॉट बनाए हैं। पहला प्लॉट हमने बनाया, दो एरे बनाए हैं हमने, हमने से कहा है कि भाई हमने ये दो एरे बना दिए, फिर हमने से कहा कि जो प्लॉट नंबर होगा ना, रो जो होगी इसकी, रो नंबर 1 होगी। रो कौन सी है? ये एक ही रो है दोनों प्लॉट्स की, ये रो पे रो 1 है
और जो कॉलम होगा, सॉरी, इसके जो कॉलम्स होंगे वो दो होंगे, सही है? कॉलम दो कितने हैं? कॉलम कौन कौन से दो हैं? ये दोनों, ये एक, अगर हम इसे रो, उस तो इस, एक मिनट मैं एनोटेट कर देता हूँ यहाँ पर, मेरे ख्याल है मैं समझाने में थोड़ा, ये देखें, एज अ रो तो ये इस डायरेक्शन में रो जाती है ना, ये देखें ये एक रो है, सही है? और इस डायरेक्शन में कॉलम होता है, ये इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में, सही है? क्लियर है सबको ये चीज? जी सर, तो उसी तरीके से यहाँ पर इस हमने कहा है कि ए, रो नंबर जो होगा ना वो वन होगा, इसका मतलब है कि ये वाली रो होगी और जो कॉलम होंगे, कॉलम होगा वो टू होगा, दो कॉलम बनाए हैं, ये एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, ठीक है? दो कॉलम हो गए। फिर इसने कहा है कि ये जो एक रो और दो कॉलम जो आपने दो ग्राफ बनाए हैं ना, एक रो में दो ग्राफ जो आपने बनाए हैं, उसमें से जो पहला ग्राफ है वहां पर ये वाला डेटा स्टोर कर दो, शो करवा लो, सही है? सही है सर। ठीक है ना, ये इसका सिंटेक्स है। आपने पहले बताना है कि क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद आपने डाटा बता देना है कि किसके अंदर प्लॉट करवाना है, सही है? फिर यहाँ पर भी हमने दो एरे बनाए हैं, दूसरा प्लॉट हमने बनाया है, और यहाँ पे हमने कहा है कि भाई वही चीज हमने बताई है कि एक एक रो है और दो कॉलम है, और उसके बाद जो दूसरा वाला कॉलम है ना, दूसरा वाला जो ग्राफ है, उसके अंदर आपने ये पर्टिकुलर डाटा शो करवा देना, क्लियर है सबको? जी सर, जी सर। तो मेरा एक सवाल है, इसमें हम 3D प्लॉट कर सकते हैं मैट प्लॉट लिप के अंदर? मेरे ख्याल है कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी एडवांस चीज़ है, हम तो बिल्कुल बेसिक पाइथन कर रहे हैं ना। अगर आप करना चाहती हैं तो ठीक, कल मैं करवा दूंगा, या इसके अंदर फिर हम और ज़्यादा प्लॉट भी बना सकते हैं, करनी है तो कल करवा दूं। नहीं मैं ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए पूछी थी, अगर पॉसिबल है नहीं, बन तो। सकते हैं, ठीक बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक सही। उसमें आपको थोड़ी सी पैंडास और दूसरी एक दो विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज की मदद देनी पड़ती है, लेकिन विज्ञान में इसका भी थोड़ा सा हाथ होता है। ठीक है सही है। हम मल्टीपल प्लॉट्स भी इसके अंदर बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर तीसरा प्लॉट बनाए, प्लॉट नंबर 3, ठीक है? एक मिनट, थोड़ा सा हम इसे ऐसे करेंगे, हम इसको उठाएंगे, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, ठीक है? इसमें हम चेंजिंग करते हैं कि 0, 3 और 3 को खत्म करके हम 4 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 50, यहाँ पे बना लिया। और अब सब प्लॉट कैसे बनाना है ये आप मुझे बताएं, हमने अभी देखा है ना किस तरीके से बनता है। clt डॉट सब प्लॉट, जी ये ध्यान में रखना है। अब कॉलम 3, कॉलम 2 हो जाएंगे, ठीक वन कॉमा थ्री कॉमा थ्री। है? रो 2 हो जाएंगे, सॉरी, 2, 2 के बाद है 1 और फिर है ये 3, सही है? 2, 2, रो तो 2 हो गई, कॉलम 1, 2, ये कहाँ पे? अच्छा, ये देखें, ठीक है?
ये एक्स वाई हमने इसको मैंने किया, सॉरी हम इसे भी शो करवा देते हैं। हम इसे कहते हैं कि पी एल टी डॉट प्लॉट, फिर इसके अंदर आप एक्स और वाई, सॉरी ये देखें, अब क्लियर ठीक ले रहे हैं, और हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है? जी, ठीक। तो अब सर। तक ये हमने फाइल आज शेयर कर अगर, दीजिएगा। हाँ जी, मैं अभी अभी मैं थोड़ी देर में गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, ये भी और पिछले वाले भी, वो भी रह गई थी शायद। ठीक है, और इसमें सब सब सारी चीजें क्लियर है जो हमने की जी सर, हैं? ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन। यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।